मुझे लगता था कि ये मुझ में कमी है, ये मेरा कोई फॉल्ट है कि कोई जो है ना इस तरह से इनडायरेक्टली बात कर रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरा नाम सरहान है, ये एक सिंधी नाम है, इसका मतलब है खुशबू। मुझे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसके फॉर्मल डायग्नोसिस मुझे पिछले साल अगस्त में मिले थे, मगर उससे पहले ही मुझे काफ़ी अरसे से एहसास था कि मैं ऑटिस्टिक हूँ, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो मुझ में मौजूद थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे आसपास लोगों में कभी किसी को देखा नहीं था कि कोई बालिग इंसान है जो ऑटिस्टिक है, क्योंकि हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वही ऑटिस्टिक होते हैं। पहले बहुत सारी बातें थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, शायद मैं बहुत ज़्यादा हसास हूँ और लोगों को तो ईद मिलन पार्टी में और बाज़ारों में जाने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर मैं क्यों इतने ज़्यादा लोगों में परेशान हो जाती हूँ। जब मुझे डायग्नोसिस मिला तो मुझे बहुत सारी चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में जिनका मेरे पास जवाब मौजूद नहीं था, उनका मुझे जवाब मिलना शुरू हो गया। हमारे जो लोग हैं इतने क्लूलेस हैं, उनको लगता है कि अगर कोई ऑटिस्टिक है तो वो तो मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं अपना करियर चूज़ कर सकती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई चूज़ कर सकती हूँ, मुझे पता है मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं उनके जो हसासात हैं वो या तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या अंडर सेंसिटिव होते हैं। आई एम वेरी सेंसिटिव टू नॉइस, तो मेरे पास नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स भी हैं एक्चुअली, तो आई एम ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू लाइट, तो बहुत ज़्यादा जो तेज़ लाइट है ना वो मुझे परेशान करती है। आई कांट सिट स्टिल, मैं बिल्कुल ऐसे होके नहीं बैठ सकती हूँ, ठीक है। और आई कॉन्टैक्ट करना मेरे लिए बहुत मसला है, नॉट बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, नॉट बिकॉज मैं सामने वाले इंसान से डरी, आई जस्ट कांट। मेरा मैसेज उन लोगों को जो बड़े लोग हैं और जिनको ऑटिज्म है वो ये है कि आप अपने आप को इम्प्रेस करें जैसे आप हैं और ऑनलाइन अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट हो, एंड आपको महसूस होगा, आपको यकीन आएगा कि आप अकेले नहीं है, एंड यू आर नॉट द ऑड वन और वियर्ड वन।